शख्स ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जड़ा थप्पड़। नई दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को थप्पड़ मारा गया है। अरविंद केजरीवाल जिस वक्त रोड शो कर रहे थे, उस दौरान एक शख्स गाड़ी की बोनट पर चढ़कर केजरीवाल को थप्पड़ जड़ दिया। लोकसभा क्षेत्र में रोड शो के दौरान केजरीवाल को सुरेश नामक एक शख्स ने थप्पड़ मारा। सुरेश को समर्थकों ने पकड़ लिया, बाद में पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया है। पुलिस उससे मोती नगर पुलिस स्टेशन ले जाकर पूछताछ कर रही है। बता दें कि इससे पहले भी 4 अप्रैल 2014 को भी रोड शो के दौरान एक शख्स ने केजरीवाल को थप्पड़ मारा था। आज यानी शनिवार को फिर से वही हरकतें सामने आ गई कि अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली के लोकसभा सीट के कर्मपुरा इलाके में चुनाव प्रचार कर रहे थे। उसी रोड शो के दौरान अचानक लाल टी शर्ट पहना सुरेश गाड़ी पर चढ़ा और उसने केजरीवाल को थप्पड़ मार दिया। इससे पहले कि समर्थक कुछ कर पाते, थप्पड़ मारने वाला सुरेश भागने लगा। समर्थकों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया है। पुलिस ने थप्पड़ मारने वाले शख्स को हिरासत में लिया है। फिलहाल उसकी कैलाश पार्क निवासी सुरेश के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि सुरेश केजरीवाल से बहुत नाराज था। वह पहले से इंतजार कर रहा था, जैसे ही केजरीवाल आए वह गाड़ी पर चढ़कर थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना के बाद भी केजरीवाल का चुनाव प्रचार जारी है और वह रोड शो कर रहे हैं। इस घटना के आम आदमी पार्टी प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज का कहना है कि बीजेपी या मोदी भक्तों ने इस तरह की घटनाओं को अभी तक अंजाम दिया है। इस बार भी मुझे ऐसा लगता है। हालांकि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के आरोपों को खारिज कर दिया है।